नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं आज तक। खबरों की शुरुआत करेंगे राजनीतिक आरोपों को लेकर। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं। उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें कि राजस्थान में, क्योंकि हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, खबर आ रही कि पूरी हो चुकी है सुनवाई, लेकिन फैसला नहीं सुनाया गया है। लंच के बाद का वक्त तय हुआ है, जब फैसला आएगा तो राजस्थान में सियासी घमासान कोर्ट तक पहुंच गया था। खबर आ रही है कि कोर्ट में दोनों तरफ के पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी है और इन दलीलों के बाद अभी फैसला सुनाया नहीं गया है। खबर यह आ रही है कि लंच के बाद ही राजस्थान हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि पिछले गुरुवार को पायलट समेत 19 विधायकों ने विधानसभा के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद से ही लगातार मामले की सुनवाई हो रही थी और गहलोत सरकार विश्वासमत के जरिए बहुमत साबित कर सकती है, इस तरह की खबरें भी लगातार आ रही हैं। हालांकि इसके बारे में अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट की में सुनवाई फिलहाल पूरी हो चुकी है और खबर यह आ रही है कि लंच के बाद पायलट और 18 एमएलए की अर्जी पर हाईकोर्ट सुनवाई फैसला सुना सकता है। लंच के बाद आ सकता है इस पूरे मामले को लेकर फैसला। शुक्रवार को 1 बजे सुनवाई शुरू हुई थी, 4:30 बजे तक चली थी शाम में, और फिर उसके बाद कोर्ट ने 20 जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी, यानी कि कल भी सुनवाई चलती रही, जिसके बाद अब आज दोबारा से दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी, अपनी अपनी बातें रखी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अब लंच के बाद का समय बताया है जब इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। शरद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शरद, लंच के बाद का समय तय किया गया है, सुनवाई पूरी हो चुकी है, क्या अपडेट वहां से? देखिए, अभी जो खबर आई है कि राजस्थान हाईकोर्ट में जजों ने कहा है, जो मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ थी, कि 12 बजे हमने सुनवाई पूरी कर ली है और अब लंच के बाद यानी 2 बजे बाद फैसला लिखवाया जाएगा। हमारे साथ हैं पूनम चंद भंडारी, जो बहस करके अभी अभी कोर्ट से बाहर निकल के आए हैं, जो बातचीत करते हैं, क्या रहा सर कोर्ट में? देखिए, आज बहस पूरी हुई, इसके अंदर मिस्टर रोहतगी ने बहस पूरी कर ली है। कामत ने भी 5 मिनट का टाइम मांगा था कोर्ट ने, कोर्ट ने अलाउ कर दिया है और बहस सुन ली गई उनकी। 3 अपोजिशन पार्टी बनने की थी, उन तीनों पर कोर्ट ने सुन लिया किस किस पॉइंट पर वो बहस करना चाहते हैं, सुन लिया उसको। अब कोर्ट उठ गई है, 2 बजे आज बैठेंगे। अब सिर्फ जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी उन पर बहस हो जाएगी, उसके बाद ये फैसला लिखा जाएगा। कितना वक्त लगेगा फैसले में आपके अनुसार? मेरा अनुभव कहता है कि ये फैसला करीबन 2:30-3 बजे तक आ जाना चाहिए, मेरा अंदाज है। ये 12 बजे आज कोर्ट उठ गई है इसीलिए कि 2 बजे बाद फैसला देना है, ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारे को तो फॉर्मल सुनना है उनके एप्लीकेशन पे, इसे कोर्ट उठ गई है। मैं समझता हूँ अंदर वो डिक्टेशन दे रहे होंगे, ताकि बाहर आने के बाद के अंदर, क्योंकि ओपन कोर्ट ने प्रोनाउंस किया था ये, तो जो इम्पोर्टेंट पैरा हैं वो बाहर आके लिखा दिए जाते हैं। तो हमारी बहस सुन के वो पैरा लिखा करके, मेरा ये अंदाज है अभी उस 3 बजे तक फैसला हो जाएगा। एग्रीव्ड पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? एग्रीव्ड पार्टी तो 100% जाएगी, उनकी पिटीशन तैयार होगी, बता रहा हूँ मैं। जो एग्रीव्ड पार्टी है इसके अंदर पायलट है, ये अगर पायलट के खिलाफ फैसला होता है तो सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि 5 बजे फैसला हो जाएगा, इसमें उनको जाना ही जाना है। पिटीशन तैयार होगी, फाइल होगी आज सुप्रीम कोर्ट में, ओरल बहस सुन लेते हैं वो। ये थे पूनम चंद भंडारी, जो ये पक्षकार बने हैं पब्लिक की तरफ से। इन्होंने दलील दी थी कि कांग्रेस और बीजेपी जो है उसकी वजह से पब्लिक सफर कर रही है। इसके बाद ये इनकी आखिरी सुनवाई थी, ये कोर्ट से निकल के आए हैं 2 बजे के बाद। कोर्ट आज वैसे 1 बजे लंच होता है, लेकिन 12 बजे आज कोर्ट ये कहते उठ गए कि हमें 2 घंटे का वक्त चाहिए, तो ऐसा कहा जा सकता है कि 3 बजे तक फैसला आ जाएगा। 5:30 बजे तक का 21 जुलाई है, 5:30 बजे तक का वक्त दिया गया था। लेकिन अब ये देखिए कि ये क्लियरली ये भी बता रहे हैं कि अगर फैसला पायलट गुट के खिलाफ आता है तो वो पूरी तरह से तैयार है अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को भी। बिल्कुल नवजोत, जो भी जिसके पक्ष में फैसला नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आपने सही कहा, 5:30 बजे का तक का वक्त है, यानी 2 घंटे का वक्त है। अगर पायलट के खिलाफ फैसला आता है तो दिल्ली में वकील कागजात तैयार करके बैठे हुए हैं, 2 घंटे के अंदर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में मूव करना होगा, वरना जो सीपी जोशी है विधानसभा अध्यक्ष, वो फैसला सुना देंगे। तो बिल्कुल कम वक्त होगा अगर सचिन पायलट के खिलाफ फैसला आता है, ये तो एजम्पशन है। अगर हो जाता है कि अगर सचिन पायलट के पक्ष में फैसला आता है तो अशोक गहलोत गुट के तरफ से भी वकील तैयार हैं और सीधे वहां सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसीलिए लगातार वहां पर होटल में भी जो विधायक बैठे हैं वो भी विधायक दल की फॉर्मल मीटिंग के लिए लगातार डिले किया जा रहा है, क्योंकि सबकी नजरें कोर्ट पर टिकी है। कोर्ट के फैसले के आने के बाद भी
कांग्रेस कोई फैसला लेगी और सचिन पायलट का जो गुट है वो फैसला लेगा। कुल मिला के सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब सबको फैसले का इंतजार है नौजवान। और बहुत ही शरत, अगर देखा जाए तो राजस्थान में बहुत ही नेक टू नेक फाइट चल रही है गहलोत और पायलट दोनों खेमों के बीच में, क्योंकि ऐसे में अगर फैसला किसी के भी खिलाफ आता है दूसरा पक्ष सीधा सीधा कोर्ट जाएगा। इस बीच जो खबर आ रही है इस पर भी जरा कंफर्म कीजिए कि ये भी खबर आ रही थी कि बुधवार को विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलवा सकते हैं गहलोत, ऐसा भी कहीं विचार विमर्श चल रहा है? बिल्कुल, इस पर विचार विमर्श चल रहा है कि अगर हाईकोर्ट से फैसला सचिन पायलट के खिलाफ आता है तो तुरंत विधानसभा का सत्र बुलाकर और बहुमत साबित कर दिया जाए, लेकिन अगर फैसला खिलाफ आ जाता है तो मैं बता रहा हूं नौजवान कि कई विधायक जो है बाउंड्री पर बैठे हैं, किसी भी तरफ कूद सकते हैं। यही वजह है कि अशोक गहलोत इतने गुस्से में हैं। कहीं ना कहीं जो संख्या बल है वो बहुत तलवार की धार पर दोनों ही तरफ है, इसलिए अगर अशोक गहलोत को राहत मिलती है तो तुरंत विधानसभा जाने के बारे में वो सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल शरद, आप नजर बनाई रखिए क्योंकि 2:30 बजे का वक्त, 2 बजे के बाद का वक्त यानी कि लंच के बाद का वक्त है जो कि तय किया गया है, और अब इंतजार रहेगा फैसले का क्योंकि कोर्ट के फैसले पर ही सबकी नजर है। पायलट या फिर गहलोत खेमे किसी के भी खिलाफ फैसला आता है तो फिर वो खेमा सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है, ऐसा हमारे सहयोगी पूरी जानकारी हमें वहां से दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ेंगे राजनीतिक आरोपों को लेकर। बीजेपी और कांग्रेस अब दोनों आमने सामने हैं। जो संदाज में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है उस संदाज में बीजेपी ने जवाब भी दे दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके राहुल गांधी के एक एक हमले का जवाब दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर आरोप लगाया था और लिखा था कि फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च में मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई, मई में सरकार की 6वीं सालगिरह मनाई, जून में बिहार में वर्चुअल रैली, जुलाई में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। अब इसी के जवाब में प्रकाश जावड़ेकर क्या लिखते हैं, उन्होंने भी जवाब लिखा है। उन्होंने भी लिखा है फरवरी में शाहीन बाग के दंगे, मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना और मध्य प्रदेश का जाना, अप्रैल में मजदूरों को भड़काना, मई में कांग्रेस के हार की वर्षगांठ, जून में चीन का बचाव, जुलाई में राजस्थान में कांग्रेस का बिखराव। ठीक उसी अंदाज में प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब रखा है। तो कैलेंडर के हिसाब से राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं और उसी कैलेंडर के हिसाब से प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब रखे हैं। बीजेपी का जवाब सुनिए, फरवरी में शाहीन बाग दंगे, ये प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट के जरिए पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया, उन्होंने जवाब दिया। मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश का जाना। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। जावड़ेकर जी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने सरकार के 6 महीने के कार्यकाल को लेकर अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं। फरवरी से जुलाई तक में सरकार ने क्या क्या किया उसको लेकर उन्होंने कटाक्ष किया है और उन्होंने कहा है कि इस कोरोना की लड़ाई में देश जो है आत्मनिर्भर होकर लड़ाई लड़ रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। मुझे लगता है अब कांग्रेस पार्टी के पास ट्वीट के सिवा दूसरा कुछ नहीं बचा है। ये ट्वीट करके जीने वाली पार्टी रह गई, जनता में तो है नहीं, उनके तो 2 राज्य निकल गए, राजस्थान डूब गया है और मध्य प्रदेश निकल गया उनके हाथ से, उनके करतूत से, उनके झगड़े से, और बाकी जनता में कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए यह आप केवल ट्वीट के सहारे जीने की एक हताश निराश कोशिश कर रहे हैं। और राहुल को अगर फरवरी से जुलाई तक का उनका ही क्या क्या उपलब्धियां है सुननी है तो फरवरी में शाहीन बाग और दंगे, मार्च में सिंधिया और मध्य प्रदेश गवाना, अप्रैल में श्रमिकों को उकसाना, मई में ऐतिहासिक हार की 6वीं वर्षगांठ,
उनको छुपती होगी और जून में चीन की वकालत करना और जुलाई में राजस्थान में पार्टी डुबाना, तो ये जो काम कर रहे हैं ये इनकी उपलब्धि है। मोदी जी जनता में है, पार्टी जनता में है, हमारी वर्चुअल रैली भी रियल होती है, टच रियल है, रैली वर्चुअल है। तो देखिए कैलेंडर के जरिए हम आपको दिखाते हैं फरवरी की बात, जब कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी कहते हैं नमस्ते ट्रंप, और इस पर प्रकाश जावड़ेकर का जवाब आता है। कांग्रेस मार्च का जिक्र करती, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, बीजेपी कहती कि आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश को गवा दिया। इस पर प्रकाश जावड़ेकर ये लिखते हैं, अप्रैल का जिक्र करते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि आपने मोमबत्ती जलवाई कोरोना काल में, बीजेपी कहती कि आपने तो मजदूरों को भड़काया कोरोना काल में। आगे सुनिए मई की बात, सरकार की छठवीं सालगिरह मनाई, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है, और कांग्रेस की हार की वर्षगांठ, ये प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी की तरफ से कहते हैं। कांग्रेस ने जून का जिक्र किया जिसमें कहा कि बिहार में वर्चुअल रैली की, तो बीजेपी ने कहा कि आपने चीन का बचाव किया। इसी तरीके से जुलाई का जिक्र है जिसमें राजस्थान सरकार गिराने की बात हो रही है, और बीजेपी का जवाब इस पर। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।